आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। भतीजे अजीत की बगावत के 28 दिन बाद शरद पवार ने बीजेपी के लिए ढूंढ लिया चाणक्य प्लान। कुछ दिन पहले अजीत पवार ने विधायकों का एक गुट लेकर शरद पवार से बगावत कर दी थी। इसके बाद अजीत पवार एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हुए और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बीच अजीत पवार गुट की ओर से शरद पवार पर बीजेपी से हाथ मिलाने का दबाव भी डाला गया। हालांकि शरद पवार ने बीजेपी से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया है। शरद पवार ने फिर से मजबूती से खड़े होने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र भर में दौरे भी शुरू कर दिए हैं। अब शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार और बीजेपी को कमजोर करने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। माना जा रहा है कि शरद पवार के इस कदम से बीजेपी को सबसे काफी नुकसान होने की आशंका है। आइए जानते हैं शरद पवार के वो तीन प्लान। NCP के विभाजन के बाद शरद पवार ने फिर से पार्टी को मजबूत करने का काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो शरद पवार ने इसके लिए तीन योजनाएं तैयार की हैं। पहले प्लान के मुताबिक शरद पवार पार्टी के पुनर्निर्माण यानी फिर से संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाएंगे। इसके मुताबिक राज्य के महत्वपूर्ण जिलों और तहसीलों में शरद पवार की सभाएं होंगी। शरद पवार इस क्षेत्र के लोगों से बातचीत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कि शरद पवार सबसे ज्यादा फोकस उस क्षेत्र पर करेंगे जहां NCP का दबदबा है। इन जगहों पर शरद पवार ये सुनिश्चित करेंगे कि भले ही विधायक सांसद या फिर बड़े नेता चले जाएं, लेकिन कार्यकर्ता और लोग उनके साथ रहें। शरद पवार की दूसरी योजना के मुताबिक वे जल्द ही वैकल्पिक नेतृत्व तैयार करेंगे। पार्टी छोड़ने वाले विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में वैकल्पिक नेतृत्व तैयार किया जाएगा। पार्टी के पूर्व विधायकों को फिर से सक्रिय किया जाएगा। पार्टी द्वारा उन्हें ताकत और रसद मुहैया कराई जाएगी। शरद पवार इस बात पर जोर देंगे कि पूर्व विधायक चुनाव लड़े, इसके लिए उन्हें तैयार किया जाएगा। शरद पवार की तीसरा प्लान बीजेपी के लिए खतरनाक होने की आशंका है। इसके मुताबिक शरद पवार उन पूर्व विधायकों को अपने साथ लेने जा रहे हैं जिनका बीजेपी ने टिकट काट दिया था या जिन्हें इस बार टिकट मिलने की उम्मीद कम है। कहा जा रहा है कि इन पूर्व विधायकों को NCP में ले जाकर उन्हें हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। बीजेपी ने पूर्व विधायकों की अनदेखी की है, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा। बीजेपी के कई पूर्व विधायक हैं जो फिलहाल हाशिए पर हैं। शरद पवार ऐसे पूर्व विधायकों पर फोकस करेंगे जो राजनीति में फिर से सक्रिय होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पार्टी का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। दरअसल बीजेपी में दूसरे दलों के नेताओं को शामिल कराकर अच्छे पद दिए गए हैं, लेकिन पार्टी में पहले से मौजूद नेताओं को तवज्जो नहीं मिल रही है। इसलिए शरद पवार इन असंतुष्ट और बेचैन विधायकों पर नजर रख रहे हैं और उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर शरद पवार इन पूर्व विधायकों को तोड़ने में सफल हो गए तो बीजेपी के लिए सिरदर्द बढ़ सकता है। शरद पवार मौजूदा विधायकों का सामना करने के लिए पूर्व विधायकों के डोर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि शरद पवार इसमें कितना सफल होते हैं।